प्राकृतिक वास यानी प्रकृति में रहने की जगह बच्चों इस बारे में बात करने से पहले चलो एक वीडियो देखते हैं इस वीडियो में दिखाए गए क्या सभी जानवरों को आप पहचानते हैं नहीं इनमें से कुछ को आप पहचानते हैं और कुछ को नहीं ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है है एक मछली 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 जिस का नाम गैंगेटिक गैंगेटिक गंगा नदी में पाई जाती है यह गंगा नदी में इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहां के पानी में रहने के लिए अनुकूलित है अरे ये बंदर ये तो पूछ वाला बंदर है क्या इसे आपने कभी देखा है ये पूछ वाला बंदर इसका नाम है लॉयन टेल्ड मकाऊ ये लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है वो भारत के जंगल और उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं कर्नाटक केरल तमिलनाडु और पश्चिमी घाटों में ये पाए जाते हैं ये तीसरा एनिमल या जानवर काश्मीरी स्टैच जिसे हम कश्मीर हिरण भी कहते हैं यह जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि वहाँ बहुत अधिक ठंड होती है और ये जो हिरण है वहाँ के वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है नीलगिरी थार नीलगिरी थार जो है वो भेड़ के समान दिखने वाली एक प्रजाति है ये जो है तमिलनाडु केरल और नीलगिरी पर्वतों में पाई जाती है ये धीरे दीर धीरे विलुप्त होती चली जा रही है तो देखा आपने हमारे आसपास कितने ही प्रकार के जीव जंतु हैं जो अलग अलग प्रकार के आवास में रहते हैं तो चलिए इस अध्याय में हम ये जाने कि प्राकृतिक वास क्या है और यहाँ किस किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे आसपास एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है इस आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं इस पर्यावरण में कुछ सजीव जीव सजीव पाए जाते हैं तो कुछ निर्जीव भी पाए जाते हैं सजीव जैसे पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु गाय कुत्ता बिल्ली घोड़े मछलियाँ वहीं कुछ निर्जीव कारक भी पाए जाते हैं उन निर्जीव कारकों में जैसे कि आप जानते ही हैं तापमान प्रकाश नदी पहाड़ पर्वत और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये जो निर्जीव कारक हैं इन्ही निर्जीव कारकों को हम भौतिक कारक भी कहते हैं ये भौतिक कारक जो होते हैं पर्यावरण में पाए जाने वाले सजीव कारकों पर अपना प्रभाव डालते हैं यानी कहीं ना कहीं ये जो भौतिक कारक हैं, इन भौतिक कारकों का प्रभाव पर्यावरण के सजीव कारकों यानी उनके जीवन पर दिखाई देता है बच्चों हमारे आसपास इस पर्यावरण में सजीवों में मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है मनुष्य जो है वो पहले इतना विकसित नहीं था प्राचीन समय में आज से करोड़ों साल पहले आदि मानव हुआ करते थे और ये जो आदि मानव थे वो गुफाओं में रहते थे गुफाओं में रहने के साथ साथ यह कच्चे मांस और कंदमूल खाते थे और लकड़ियों को या पत्थरों को औजार के रूप में उपयोग में लाते थे धीरे धीरे इनमें विकास होता चला गया और यह विकास होते हो, होने के कारण उनके रहने और उनके खाने की आदतों में भी यह बदलाव दिखाई देने लगा ये आदि मानव उनके आसपास पाए जाने वाले भौतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने रहने की जगह बनाने लगे यानी वो कन गुफाओं से बाहर अब रहने के लिए अपने घरों का निर्माण करने लगे मिट्टी लकड़ी पेड़ पौधों की पत्तियाँ इनका उपयोग करके वे घर का निर्माण करने लगे इन घरों को हम कच्चा घर कहते हैं आज भी गांवों में आपको कुछ इस तरह के कच्चे घर देखने को मिलते हैं जो कि लकड़ी और मिट्टी और खपरेल के बने हुए होते हैं खपरेल जो कि मिट्टी का ही बना हुआ होता है जिसे आग में पकाया जाता है इसे भी हम कच्चा हाउस कहते हैं यानी कच्चा मकान कहते हैं और ये कच्चा मकान आज भी हमको गाँव में देखने को मिलता है धीरे धीरे मनुष्य ने सीमेंट लोहे की छड़ गिट्टी ईट इत, इत्यादि का उपयोग करके पक्के मकान बनाना शुरू कर दिए पक्के मकान जिसमें कि पहले सिंगल स्टोरी मकान दिखाई देते थे फिर धीरे से डबल मंजिला यानी डबल स्टोरी मकान बनने लगे और फिर बड़े बड़े घर यानी बंगलों का निर्माण होने लगा अब तो आपको शहरों में गगन को चुंबते हुए गगन चुंबी इमारत दिखाई देते हैं देखिए आपको कितना बड़ा ये विशाल इमारत दिखाई दे रहा है जिसमें कितने सारे मनुष्य एक साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं बच्चों क्या सभी जीवों के भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु एक जैसी होती हैं नहीं हमारे पर्यावरण में विभिन्न विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के जलवायु भी पाई जाते हैं इन्हीं जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य ने अपने रहने की जगह में भी परिवर्तन किया जैसे आप इस घर को देख रहे हैं यह घर आपको पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है किसका बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है या पानी उपस्थित होता है उस पानी वाली जगह पर लकड़ी के बने हुए ये तैरते हुए घर होते हैं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक भूकंप आता है जिसे हम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहते हैं इन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लकड़ी और बांस के बने हुए घरों का उपयोग किया जाता है लकड़ी और बांस के घर क्यों बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इन लकड़ी और बांस के घरों के होने से भूकंप आने पर बहुत अधिक हानि नहीं होती है और दूसरा इनकी मरम्मत भी आसानी से हो जाती है वहीं ध्रुवी प्रदेश जिसके बारे में आप जानते होंगे कि जहां पर बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पाई जाती है वहां पर भी तो विभिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो वहां मनुष्य जो है वो अपने लिए बर्फ से बना एक घर का निर्माण करते हैं उस घर को हम कहते हैं इग्लू यानी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य किस तरह से बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु के अनुसार अपने रहने की जगह में भी बदलाव करते हैं यानी मनुष्य अपने जीवन यापन को करने के लिए घरों में रहते हैं घर यानी रहने की जगह जिसे हम आवास भी कहते हैं आवास कोई भी जीव अपना आवास उस जगह पर बनाना पसंद करेगा जहाँ पर उसके जीवन से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है अब जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं भोजन सुरक्षा और प्रजनन किसी भी जीव की यही तीन मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं भोजन हर जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उसे कहाँ से मिलेगा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने पर यानी कोई भी जीव अपना आवास यानी रहने की जगह उस स्थान पर बनाना पसंद करेगा या रहना पसंद करेगा जहाँ पर उसे आसानी से भोजन उपलब्ध हो सके वही दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा जीवों को दूसरे जीवों से या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से या फिर अन्य प्रकार की हानियों से बचने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है यानी जो सुरक्षा है यह उसे अपने आवास में रह प्राप्त होती है यानी जीव अपना आवास उस स्थान पर बनाना पसंद करते हैं जहाँ उसे सुरक्षा मिल सके तीसरी आवश्यकता है वह है प्रजनन प्रजनन यानी अपने ही समान संतानों को जन्म देना कोई भी जीव ऐसे आवास को में रहना पसंद करेगा जिस आवास में वह अपने संतानों की उत्पत्ति कर सके और अपने प्रजाति को बढ़ा सके यानी कोई भी जीव जो है वो अपने आवास में रहकर इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो बच्चों ये तो अभी तक बात हुई मनुष्य की मनुष्य जो हैं वो प्राचीन समय से अभी तक विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण करते आए हैं और बदलती भी भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के अनुसार अपने घरों का निर्माण करते हैं और इन तीन आवश्यकताओं के आधार पर वे अपना जीवन यापन करते हैं पर क्या हमारे पर्यावरण में क्या केवल मनुष्य ही हैं क्या दूसरे जीव जंतु नहीं पाए जाते पाए जाते हैं क्या उनका आवास नहीं होता ये मछलियाँ कहाँ रहती होंगी सोचिए मछलियों और मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ कहाँ रहती होंगी इसी तरह से ऊँट कहाँ रहते होंगे घोड़े कहाँ रहते होंगे सांप और सांप की विभिन्न प्रजातियाँ ये सब भी कहाँ रहते होंगे ये भी कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति में ही वास करते हैं तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो जीव हैं ये कहाँ रहते हैं इनका आवास क्या है बच्चों जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारे पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों ही कारक उपस्थित हैं सजीवों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं अब ये भी जीव जंतु हम मनुष्यों के ही तरह कहीं ना कहीं रहते हैं यानी इनका भी अपना एक रहने की जगह यानी आवास होता है ये जो आवास है इसका अर्थ क्या है आवास पहले मैं इसकी एक परिभाषा बता देती हूँ आपको जीव जंतु जिस वातावरण में रहकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करते हैं वही उनका आवास कहलाता है इस आवास में ये जीव रहते हैं भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी संतान उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त करते हैं जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी जो जीव होते हैं वो ऐसे आवास में रहना पसंद करते हैं जहाँ उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है भोजन सुरक्षा और प्रजनन यानी कोई भी जीव ऐसे वातावरण में रहना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें आसानी से भोजन उपलब्ध हो सके ताकि उनका जीवन आसानी से चल सके दूसरा वो किसी भी प्रकार की विपदा या हानि से बच सके यानी उनकी सुरक्षा हो सके और तीसरा वो अपने ही समान संतानों को जन्म दें और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें किसी भी जीव का प्राकृतिक वास वह स्थान है जहां उसके जीवन काल की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ये मूलभूत आवश्यकताएं है। क्या हैं भोजन सुरक्षा और प्रजनन चलिए अभी तक तो हमने बात की आवाज़ की ये आवाज कितने प्रकार के हैं इसके बारे में देखते हैं आवाज आवाज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है एक है स्थली और दूसरा है जली स्थली जिसे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानि वह स्थान जहाँ पर जीव सभी स्थली जीव अपना जीवन यापन करते हैं स्थल मतलब जमीन पर यानी वह आवास जिसमें स्थली जीव अपना जीवन यापन करते हैं उसे हम स्थली या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को पुनः भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा गया है पहला है ध्रुवीय आवास यानी पोलर हैबिटेट बच्चों पोलर हैबिटेट या ध्रुवीय क्षेत्र वह है क्षेत्र हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ पाई जाती है जहां हमेशा बर्फ होती है बहुत अधिक मात्रा में बर्फ होने के कारण वहां के जीवों की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं और बाल के साथ-साथ उनकी त्वचा की नीचे वसा की एक परत भी पाई जाती है जिसके कारण उन्हें कम से कम ठंडी लग सके इन जगहों पर रहने वाले जो जीव हैं इनसे आप भली बात परिचित हैं जैसे कि आपने सफेद भालू देखा ही होगा सफेद भालू जिसे हम पोलर बियर भी कहते हैं वहीं डेलशिप डेल वॉलरस रेनडियर शील वॉल्वोरिन आर्टिक लोमड़ी और आर्टिक भेड़िया ये सब प्रजातियां जो हैं वो आपको ध्रुवीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी और इनका आवाज कैसा है पोलर हैबिटेट दूसरा प्रकार दूसरा प्रकार जो है वो है जंगलों में रहने वाले जीवों का जंगल भी कहाँ पर हैं इस स्थल में पाए जाते हैं जंगलों में आपने देखा है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं शेर चीता लोमड़ी फिर हिरण राइनासोर बारा सिंगा विभिन्न प्रकार के ये जीव जंतु जो हैं जो जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम फॉरेस्ट हैबिटेट कहेंगे स्थलीय आवास यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का तीसरा प्रकार है मरुस्थलीय आवास यानी डेजर्ट हैबिटेट मरुस्थल जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं मरुस्थली जगह जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में रेत पाई जाती है और मरुस्थल में दिन के समय में अत्यधिक गर्म होता है और शाम के समय में वह थोड़ा ठंडा होता है मरुस्थली आवास में रहने वाले जो जीव हैं वो हैं ऊँट जिससे आप भली भांति परिचित हैं और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है कैटल सांप और चूहे साथ ही साथ जो मरुस्थली पौधे हैं वह भी वहाँ परिवर्तित हो जाते हैं यानी उनमें थोड़ा सा रूपांतरण आ जाता है पौधे जो होते हैं वो काटेदार हो जाते हैं और पत्तियां मांसल हो जाती हैं चौथा प्रकार जो कि स्थली यानी टेरेस्ट्रियल आवास का उदाहरण है वह है पर्वती यानी पर्वत पर्वती आवास या पहाड़ियों में जीने वाले पहाड़ों पहाड़ों का आवास यानी जिसे हम माउंटेन हैबिटेट भी कहते हैं इसके अंतर्गत याक भालू पहाड़ी बकरियां उड़ने वाली लोमड़ी आदि सभी आते हैं आवाज़ का दूसरा प्रकार है जली जली आवाज़, जल यानी जल में रहने वाले जीव जल मतलब एक्वेटिक हैबिटेट आप सभी जानते हैं मछलियाँ और मछलियों की विभिन्न प्रजातियाँ जो होती हैं वो पानी में पाई जाती हैं जल जली आवाज़ को पानी के स्त्रोतों के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है पहला है समुद्री जिसे ओशन टेरेस्ट्रियल कहते हैं दूसरा है ताजे पानी का स्त्रोत और तीसरा है कॉस्टल यानी तटवर्ती क्षेत्र तो पहले देखते हैं हम समुद्री आवास क्या है समुद्र का पानी खारा होता है और इस खारे पानी में बहुत सारे जीव जो हैं वो आवासरत होते हैं यानी वहाँ पर रहते हैं खारे पानी के जो जीव हैं उसमें समुद्री मछली वेल शार्क स्टारफिश, डॉगफिश, ऑक्टोपस और कुछ समुद्री कछुए और समुद्री सर्प पाए जाते हैं दूसरा प्रकार जो है वो जली आवाज का वो है ताजे पानी के स्त्रोत ताजे पानी के जो स्त्रोत हैं यहाँ में इसमें नदी तालाब और झील तीनों आते हैं नदी तालाब और झीलों में आप सभी जानते हैं मछली और मछलियों के विभिन्न प्रकार प्रजातियाँ पाई जाती हैं साथ ही केकड़े ड्रैगन फ्लाई मगरमच्छ मेढक टैटपोल और कैटलफिश पाई जाती है तीसरा प्रकार तटवर्ती आवास यानी जिसे हम कोस्टल हैबिटेट भी कहते हैं यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर समुद्र का खारा पानी और ताजे पानी के स्रोत आपस में मिलते हैं इस जगह को हम तटवर्ती क्षेत्र कहते हैं इस जगह पर भी कुछ विशेष प्रकार के जीव जो हैं वो रहते हैं यहाँ पर मैनग्रोव प्रजाति की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं अब कुछ इन दोनों आवाज़ के अलावा कुछ विशेष प्रकार के आवाज़ भी पाए जाते हैं जैसे बिल बिल बनाकर रहने वाले जीव तो हम सभी जानते हैं सांप चूहा खरगोश खरगोश जो है वो बिल में रहता है जबकि हमें लगता है कि खरगोश जो है यूं ही गार्डन में यूं ही दौड़ता दिखा रहता है दीमक चीटी ये सभी कहाँ रहते, है? रहते हैं बिल बनाकर रहते हैं घोसला आपने चिड़ियों को पेड़ों में घोसला बनाकर रहते हुए देखा होगा चिड़िया जो होती है वो अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर प्रकार की घोसले बनाकर अपना जीवन यापन करती है जैसे कि बया बुलबुल कबूतर कण और अन्य प्रकार की चिड़िया इसमें जो बया पक्षी है जिसे हम वीवर पक्षी भी कहते हैं यह वीवर पक्षी जो होते हैं वो इंजीनियर पक्षी कहलाते हैं क्योंकि ये अपने घोंसलों को बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है ये इस एकदम सुंदर डिजाइन करके बनाते हैं वहीं इंडियन रॉबिन एक पक्षी है जिसे हम दर्जी पक्षी कहते हैं जो अपने घोंसले का निर्माण मुंह से सिलकर करता है और अपने घोंसलों का जो निर्माण है वो पत्थरों के बीच में करता है ये घोंसले इतने डिजाइनदार बनाते हैं इसमें नर जो पक्षी होता है वो डिज़ाइनदार घोंसलों का निर्माण करते हैं और मादा पक्षी जो है वो उस डिज़ाइन को पसंद करती है और पसंद करके मनपसंद घोंसले में जाकर अपने अंडे देती है तो देखा आपने बच्चों कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के ये जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं और ये जीव जंतु जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आवास में रहते हैं आवास रहने की जगह यानी वह जगह जहाँ जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं जीवन से संबंधित आवश्यक आवश्यकताएं भोजन सुरक्षा और संतान उत्पत्ति करते हैं तो देखा आपने किस प्रकार हमारे आस पास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव अपने आवास में रहते हैं और बदलती भी भौगोलिक परिस्थितियों और जलवायु के आधार पर अपने आवास में परिवर्तन भी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन यापन करने के साथ साथ भोजन सुरक्षा और संतान की उत्पत्ति भी करते हैं बच्चों जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आवास की तो वहीं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवास पाए जाते हैं हम अभी एक विशेष प्रकार के प्राकृतिक आवास के बारे में बात करेंगे जहाँ एक विशेष प्रकार की मछली पाई जाती है और एक विशेष प्रकार के आवास में रहती है हम सभी ये जानते हैं कि मछलियाँ पानी में रहती है यह जो मछली है वह गुफा में रहती है गुफा और में पाए जाने वाले पानी में रहती है गुफा के अंदर पानी है जिसमें यह मछली पाई जाती है छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर जिले में कांगेर नदी के तट पर यह गुफा पाई जाती है इस गुफा का नाम है कुटुमसर की गुफा इस गुफा की विशेषता क्या है इस गुफा की विशेषता यह है कि इसकी छत व दीवारों पर चूना युक्त पानी टपकता है चुना युक्त पानी टपकता है और इस चूना युक्त पानी के टपकने के कारण छत से शंकु के आकार की और जमीन से शंकु के आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। शंकु के आकार मतलब आपने देखा है बर्थडे कैप यानी जन्मदिन पर जो टोपियाँ पहने जाती हैं उसका जो ये आकार होता है वो शंकु के आकार का होता है इस शंकु के आकार की संरचना का निर्माण चुने युक्त पानी के टपकने के कारण इस कुटुमसर की गुफा में दिखाई देता है छत पर से बनी हुई ये शंकु के आकार की संरचना को हम टाइट कहते हैं और वहीं जमीन पर बनी इस शंकु के समान संरचना को इस्टेलेकमाइट कहते हैं स्टेलेक्टाइट यानी छत पर बने शंकु की आकार संरचना और स्टेलेक्माइट यानी जमीन पर बनी शंकु की आकार की संरचनाएं देखिए इस शंकु की आकार की संरचना के कारण यह जो गुफा है उसका उसकी सुंदरता जो है वो और बढ़ जाती है यह जो गुफा है वह जमीन से 25 मीटर नीचे और एक किलोमीटर अधिक लंबाई पर फैली हुई है यानी जो ज़मीन है उस जमीन से यह जो गुफा है वो 25 मीटर नीचे है और एक किलोमीटर से अधिक लंबाई पर फैली हुई है इस गुफा में इतना ज़्यादा अंधेरा है इतना ज़्यादा अंधेरा है कि बिना टॉर्च के या बिना किसी प्रकाश की सहायता से आप वहाँ पर एक कदम भी चल नहीं सकते यानी वहाँ पर एक कदम भी चल पाना मुश्किल है इस गुफा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बाहर की ऑक्सीजन की तुलना में कम है यानी यहाँ पर गुफा के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है बाहर की तुलना में इतने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं यानी वो यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर इन जीवधारियों का आवास है अब वो कौन कौन से जीवधारी हैं तो मिलीपिड्स बैक्टीरिया चमगादड़ और कुछ कीड़े मकोड़े गुफा का जो तापमान है वह साल भर पच्चीस डिग्री सेल्सियस से बत्तीस डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है वहीं इस गुफा के अंदर बहने वाले पानी का जो तापमान है वो 22 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तो देखिए ये दोनों का ही तापमान यानी गुफा का तापमान और पानी के तापमान दोनों में ही कोई ज़्यादा अंतर नहीं है बरसात के दिनों में इस गुफा में बाढ़ आ जाती है क्योंकि यह जो गुफा है वो कांगेर नदी के तट पर स्थित है यानी बरसात में पानी जो है वो बाढ़ के रूप में इस गुफा में प्रवेश कर जाता है और बाढ़ के समय जब गुफा में यह पानी प्रवेश करता है तो अपने साथ कुछ अन्य छोटे छोटे पौधे और जीव जंतुओं को भी वो अपने साथ प्रवेश करा देता है और इन्हीं सूक्ष्म जीवों और पौधों को ये कानी मछलियाँ कुछ समय के लिए खाती हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं पोषण प्राप्त करती हैं ये जो इस गुफा में एक विशेष प्रकार की छोटी मछली पाई जाती है इस मछली की जो लंबाई है वो दो से चार सेंटीमीटर होती हैं इस मछली की आंखें होती हैं और यह आंखें बहुत छोटी होती हैं पर यह मछली अंधी होती हैं क्योंकि यह अंधेरे में देख नहीं पाती इसलिए ये मछलियाँ अंधी मछलियाँ कहलाती हैं और स्थानीय लोग इसे कानी मछली के नाम से बुलाते हैं इस मछली की कुछ अन्य प्रजातियां जो होती हैं वो पहाड़ी नदियों में भी पाई जाती हैं पर इस कुटुमसर की गुफा में पाए जाने वाली जो कानी मछली है इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं जो उसे अन्य मछलियों से अलग करती हैं वो विशेषता ये है कि यह जो कानी मछली है वह मृत जीवों और पौधों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करती हैं तो ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम अपमार्जक कहते हैं अपमार्जक जो सफाई का काम करते हैं यानी सफाई मित्र कहा जा सकता है यानी यह कानी मछली कहीं ना कहीं इस गुफा की सफाई करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है अपमार्जक के रूप में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि अपमार्जक क्या है यह कानी मछली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तो कानी मछलियाँ जो हैं वो अपमार्जक की भूमिका निभाती हैं और कैसे निभाती हैं तो ये जो मछलियाँ होती हैं वो मृत जीवों और पौधों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं बाढ़ के साथ जो अन्य प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे गुफा में प्रवेश कर जाते हैं इनको भी हम कानी मछली खाती है लेकिन इनको वो कुछ समय तक ही खाती है और साल भर वह किसको खाती है तो गुफा के अंदर पाए जाने वाले मृत पेड़ पौधे और जीवों को यह जो कानी मछली है वह मिट्टी के नीचे रहती है पानी में सांस लेती है और बीच बीच में पानी की सतह में ऊपर आकर हवा भर लेती है अपने मुंह में इस मछली का संपूर्ण जीवन इसी गुफा में व्यतीत होता है यानी इस कानी मछली का प्राकृतिक आवास यह कुटुमसर की गुफा है और इस कुटुमसर की गुफा की में क्या क्या विशेषताएं हैं इस बारे में तो हमने देख ही लिया यानी कि कुटुमसर की गुफा में पाए जाने वाली जो मछली है वह अन्य मछलियों से अलग है पहले तो इस मछलियों में आंखें हैं परंतु ये देख नहीं सकती क्योंकि कुटुमसर की गुफा में इतना अधिक अंधेरा है कि ये मछलियाँ देख पाने में सक्षम नहीं है दूसरा ये अपमार्जक की भूमिका निभाती हैं यानी मृत जीवों से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करती हैं और इनका आकार कैसा होता है इनका आकार बहुत छोटा होता है दो से चार सेंटीमीटर यानी बहुत छोटी मछली होती है तो बच्चों इस गुटमसर की गुफा में उत्पादक कौन हुआ फिर यानी उत्पादक हम तो अभी तक ये जानते हैं कि उत्पादक हमेशा कौन होते हैं पेड़ पौधे होते हैं है ना लेकिन इस कुटुम्बसर की गुफा में क्या उत्पादक पेड़ पौधे हैं नहीं इस कुटुबसर की गुफा में उत्पादक है मृत जीव यानी इन मृत जीवों को कौन खा रहा है कानी मछली खा रही है और अपने जीवन यापन अपना जीवन यापन कर रही है तो बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कानी मछली की विशेषताएं क्या है कानी मछलियां जो है वो अन्य मछलियों से किस प्रकार विभिन्न है और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुटुमसर की गुफा की खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार कुटुमसर की गुफा में जैविक कारक जिसमें कानी मछली और अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधे शामिल थे और वहीं इसी कुटुमसर की गुफा में अजैविक यानी भौतिक कारक भी शामिल हैं जैसे ताप दाप तापमान पानी मिट्टी और युक्त दीवाले ये सभी भौतिक कारक जो थे वो जैविक कारक यानी कानी मछली के को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक वास में जो भौतिक कारक होते हैं वो भौतिक कारक जैविक कारक को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं यानी भौतिक कारक का प्रभाव कहीं ना कहीं जैविक कारक पर पड़ता है